इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर, रामनवमी के मौके पर इंदौर में बड़ा हादसा हुआ है। मंदिर की कुएं की छत गिरने से हादसा हुआ है। अभी तक 7 लोगों को कुएं से निकाला गया है, लेकिन कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इंदौर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में ये कुआं धस गया है, जिसकी वजह से कई श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। और कुएं के ऊपर दरअसल छत थी जो गिर गई। 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त मौके पर मौजूद है। रस्सी की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। मौके पर SDRF की टीम भी मौजूद है, गोताखोर भी बुलाए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल के CMO खुद निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों का रेस्क्यू हो रहा है उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, ताकि सही तरीके से उनका उपचार हो पाए। बड़ी लापरवाही सामने आई है और कैसे यहां पर नियमों को ताक पर रखा गया, अवैध निर्माण की खबर भी सामने आ रही है। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं जिनके जवाब मिलेंगे, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है। पहली तस्वीर आप देखिए, लोग बेचैन भी हैं। जिनके अपने मंदिर के अंदर मौजूद थे, रामनवमी पर दर्शन करने गए हुए थे, वो अपनों के बारे में हालचाल जानते हुए। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि जो मंदिर के अंदर की तस्वीर है, ऐसे में प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट भी की जा रही है, ताकि लोग संयम बरतें।